2018 में ये मामला पलटा और उसके बाद ये तीनों खाते सीटें अभी कांग्रेस के खाते में है। इन सब के बीच साजा और नवागढ़ यहां से दो ऐसे प्रतिनिधि हुए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल के रूप में भी अपना काम संभाला है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भी यहां पर प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन क्या उस तरह का विकास इस इलाके में हुआ, जनता क्या सोचती है, यही जानने समझने के लिए आज हम यहां पर मौजूद हैं। और हमारे बीच में तमाम जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, जो दावेदार हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग अभी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारी रवायत है, सबसे पहले कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले शपथ लेते हैं हम लोकतंत्र की। आप सबसे निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होइए, एक शपथ के साथ शुरुआत करते हैं। अपने हाथ आगे कीजिएगा, शपथ हम लेंगे। मैं भारत के लोकतंत्र में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते विधानसभा चुनाव के दौरान या जब भी चुनाव होंगे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और शुरुआत करते हैं, चूंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जनता का मंच है, तमाम जनप्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद हैं, पूर्व मंत्री भी हमारे बीच में मौजूद हैं, स्थानीय विधायक भी मौजूद है, लेकिन जनता का मंच है, लिहाजा सबसे पहले जनता के पास चलते हैं। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे शुरुआत करते हैं कि वो यहाँ की इस मुद्दों को लेकर क्या कहते हैं, क्या मुद्दे उनके पास में है, विकास की स्थिति में बेमित्रा को वो कहां पाते हैं। जी बताइए। मैं कृषि मंत्री जी के क्षेत्र साजा विधानसभा से आता हूं और मैं पूछना चाहूंगा कि 90 विधानसभा में एक नया घोषणा पत्र हमारे साजा विधानसभा में मनुहार निवेदन किया था, 10 दिन में जम्मू बैंक का जम्मू कर्ज माफ और अटल ज्योति लाइन जो है 24 घंटा अभी 6 घंटा बंद हो रहा है और कृषि मंत्री के क्षेत्र में 1614 करोड़ का सूर्य व्यवर्तन योजना चालू है किसानों के लिए, अभी बन ही रहा है और उखड़ गया, सीमेंट गायब है, गिट्टी है, तो इतनी भ्रष्टाचार क्यों। और गौठान योजना की बात करूं तो कृषि मंत्री के क्षेत्र मऊहा भाटा में ही जाके देख लीजिए कि क्या है। किसानों के द्वारा और छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि बैला हरे मंगनी के, कांदी घलो उधारी, गोर्रा है परोसित, कोटना है संगवारी, बिन पानी के नरवा बंधा के गरवा, बिन गौठान और बारी के साग नंदा के घुरवा हो गए बेईमान। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन्होंने साझा विधानसभा से अपनी बात रखी है। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि आगे सामने है, उनसे बात करूंगा, लेकिन कुछ और जनता के सवाल भी पहले मैं ले लूं। यहां से कोई सवाल उठाना चाह रहा जी, बोलिए। सबसे पहले तो मैं IBC 24 का यहाँ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और बेमेतरा में जो विकास हुआ है कांग्रेस के द्वारा उसको देखने के लिए धरातल पर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, उसके लिए मैं आपको सादर धन्यवाद करता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से, उनके सांसद हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, कितने रुपये का ईंट बेमेतरा के लिए उन्होंने रखे हैं ये बताएं मुझे सबसे पहले। ठीक है, तो सवाल शुरू है, मैं चूंकि इसके जवाब लेने की सिलसिले को शुरू कर रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। मैं नवागढ़ विधानसभा के ग्राम सिमरिया पंचायत में रहता हूं, आज तक मेरे पंचायत में कांग्रेस सरकार द्वारा एक रुपए का भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे बीच में आशीष छाबड़ा जी हैं जो कि स्थानीय विधायक हैं, उनके पास चलते हैं। आशीष जी क्या कहेंगे, क्या आकलन करेंगे, आपने सवालों के सिलसिले को भी सुना। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि 2018 में जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, आर्थिक लोगों से लोगों को संपन्न करने का काम कांग्रेस की सरकार के माध्यम से किया है, चाहे मैं गौधन न्याय योजना की बात करूं, चाहे गौठान की जो बात मेरे साथी अभी बोल रहे थे, निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे गौठान हैं जिनको उदाहरण के रूप में आप जाके देख सकते हैं, जिससे सीधा हम लोगों ने लोगों को जीविका के साधन के रूप में लोगों को वहां से जोड़ा है। और साथ ही साथ रिपा के माध्यम से आज उद्योग, हमारे ग्रामीण लोग उद्योग का काम कर रहे हैं। आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में साकरा में जाके देखिए, बहुत सुंदर स्टेशनरी का काम, वहाँ की जो युवा बेरोजगार है उनको रीपा के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो मैं क्या समझता हूं कि समय कम पड़ जाएगा। और जो उंगली उठा रहे हैं, 15 साल आपने एक गौठान बता दीजिए पूरे प्रदेश में कि आप एक गौठान किस, आप साझा की बात। ठीक है, दयालदास जी हमारे बीच में है, पिछली बार सरकार में मंत्री भी रहे थे। दयालदास जी, नवागढ़ को लेकर भी बात उठ रही है, क्या कुछ कहेंगे। नवागढ़ में आज जब से विधायक का चुनाव या सरकार बना है उसके बाद नवागढ़ विधानसभा में मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक रुपया का कहीं भी विकास के काम नहीं हुआ है। अपने कार्यकाल में पूरा 347 गांव, 344 गांव में पक्का सड़क से हम जोड़े हैं डामर रोड से, उस सड़क की यही स्थिति है, उसमें एक धमेला गिट्टी तक नहीं डाला है और न ही कहीं पर एक रुपया के विकास के काम हुआ है और न सरपंच आज रो रहे हैं
कोई पंचायत में एक रुपया का काम नहीं है, और अपने कार्यकाल में जो विकास के काम किए हैं उसको अगर गिनाऊंगा तो घंटों लग जाए। ठीक है, चलिए मैं इस पर भी सवाल करूंगा, लेकिन यहाँ से जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे सर? सीधे सीधे सवाल ये कि कोई काम नहीं हुए, ये सब बोलने की बात है, सीधे काम वाली बात नहीं है। जब से साढ़े चार साल हो गया हमारी सरकार बने हुए, जब से भूपेश जी ने यहाँ अपना कमान थामा है, हम ये पूछना चाहते हैं जो बात किए थे कि 15 साल में क्या हुआ है, हम बोलते हैं साढ़े चार साल में क्या हुआ है। ये आपको कहीं भी चले जाओ, कोई भी रोड में चले जाओ, वहाँ आपको काम के सिवाय और कोई दूसरा कोई वो नहीं दिखता। उन्होंने जो साझा का जो प्रश्न उठाया है, जो साझा में जो कभी जो कल्पना नहीं किया था उस प्रकार के जो नहर नाली आ रहा है और वहाँ से पानी जो आएगा साझा एरिया से लेकर आप वेरले एरिया तक वो पानी जाएगा, ये किसानों के फायदे का है। पानी जाएगा कब? कई सालों से तो इंतजार हो रहा है इस पानी को लेकर, लेकिन पानी जाएगा कब ये सवाल है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे जी? साझा क्षेत्र में माननीय कृषि मंत्री के कार्यकाल में कृषि महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय, कॉलेज की कम से कम साझा विधानसभा अन्य विधानसभा ज्यादा कॉलेज खुला हुआ है। दूसरी बात, कवर्धा जिला से में जो बांध है उसका पानी झिपनिया सूरी में सब आ रहा है, जो वो निर्माण हो रहा है, बड़े केनाल बन रहे, पानी पहुंचेगा पूरा किसानों का हरा भरा रहेगा। पहला भी साझा क्षेत्र माननीय रविंद्र चौबे के निर्देश में नल कूप का भरमार हुआ, जिससे वहां के किसान समृद्धिशाली हो गए हैं। अब यही लोग बात करते हैं, आप राखी जोबा में जाकर देखिए, वहां गौठान का वहां केला का सूत निकाल रहे हैं, वहां बिजली उत्पन्न हो रहा है गौठान में, इन गौठान का महुआ बाटक बात करते हैं, गलत बात करते हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, जानकारी गलत दे रहे हैं, सीधे सीधे आरोप आपके ऊपर, क्या कहेंगे बाफना जी? अभी साझा के लिए बेमेतरा के हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि साझा विधानसभा की जितनी दुर्गति है उतनी छत्तीसगढ़ में किसी विधानसभा की दुर्गति है। वहां पर इतना बड़ा कांड अभी हुआ है विदनपुर का, मगर वहां के क्षेत्र के विधायक आके वहां झांके तक नहीं है। और ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये मनोहर पत्र जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है सबो किसान के सबो बैंक के पूरा कर्जा 10 दिन के अंदर माफ, वहां पर लिखा हुआ 5 HP और घर के बिजली बिल फ्री। और उसके लिए हम लोगों ने मांग की है कि ये जितनी घोषणाएं आपकी है ये घोषणाएं कब पूरी होगी, ये घोषणाएं आपकी 5 साल में एक भी घोषणाएं। चलिए, साझा से जो विधायक हैं, मंत्री जी हैं, वो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं, उनसे जवाब लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो इन्होंने जो कहा कि कर्जा माफ वाली बात है, तो मैं ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब से आई है हर किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये झूठ बोलते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। जी छाबड़ा जी, क्या कहेंगे? देखिए, कर्जा माफ की जो बात है, मैं तो आपके सामने इस बात को बोलना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सार्वजनिक करें कि 15 साल में उनकी सरकार रही, उन्होंने कितने किसानों का कितना कर्जा माफ किया, और हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया है। इनकी जब 15 साल सरकार रही, छोटे मोटे कर्ज के तले किसान दब के आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते थे। आज हमने 20 क्विंटल, इस साल से हम 20 क्विंटल धान खरीदने जाने प्रति एकड़ के हिसाब से, और धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपए। इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने धान की खरीदी 10 क्विंटल कर दी थी। उसके बाद जब कांग्रेस के हमारे माननीय तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी ने किसान संगठन के साथ में रोड की आके लड़ाई लड़ी, तब कहीं जाके 10 क्विंटल को पुनः 15 क्विंटल किया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर धान खरीदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि नरवा घुरवा गरवा बारी छत्तीसगढ़ के चिन्हारी, ये माननीय भूपेश बघेल ये बिंदु में डाले है, मुख हमेशा नरवा गरवा घुरवा बारी। लेकिन मैं कांग्रेस भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कहां नरवा बना है, कहां घुरवा बना है, नरवा गरवा और कहां घुरवा और कहां बारी, और बारी में किसान लोग क्या का उपज कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने 15 साल में क्या किया। हाँ, ये स्थिति है, आज ये पानी की बात कर रहे हैं, नहर के माध्यम से बेरला के नहरों में पानी आएगा, आज लोगों को पीने की पानी नसीब नहीं हो रही है, बेमेतरा में लोगों को मीठा जल नहीं मिल पा रहा है, बेरला ब्लॉक पूरा सूखा पड़ा हुआ है, गांव-गांव में नल जल मिशन योजना में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदार लाल हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि लाल हो रहे हैं, और
काम चारों तरफ पूरा डब्बा गोल है और किसान की स्थिति बड़ी बुरी स्थिति है। यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है बेमेतरा में, लेकिन किसान का विकास नहीं हो रहा, किसान को और किसी का ध्यान नहीं है। धान खरीदी की बात करते हैं, धान खरीदी में भी किसानों को धक्का खाना पड़ता है, कभी बारदाना के लिए, कभी पैसा के लिए, कभी बोनस के लिए, लेकिन किसानों का भला। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, जैसा मैंने कहा कि ये किसान बाहुल क्षेत्र है और उसके बावजूद अगर यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है और बाकी तमाम समस्या है, खाद वाद को लेकर समस्या है, तो वाकई में गंभीर स्थिति में है। आप कुछ बताना चाह रहे हैं इसमें जी? भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे लंबे फेंक रहे हैं। दरअसल में ये लोग 15 साल किए हैं राज्य, आखिरी में हमारे राज्य के जितने भी जनता और किसान हैं उनको टिफिन और फूटा मोबाइल देकर चले गए। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में गायों का ख्याल नहीं रखा। आज भूपेश बघेल जी ने नरवा गरवा घुरवा बारी करके हर गांव में गौठान का निर्माण कर रहे हैं। मई के महीने में ये लोग देखने जा रहे हैं क्या किसान है कि ये लोग व्यापारी हैं। धान और 20 क्विंटल और 2800 रुपया में जब किसानों खरीद रहे हैं तो माननीय मेरे महोदय लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, क्या ये किसान है कि नहीं है? ठीक है, इसका जवाब लूंगा इसका। जी बोली, ये लोग धान की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं धान का, धान खरीद रहे हैं। धान खरीदी में ये लोग बता दें 74,000 करोड़ राशि सम्मानी मोदी जी के द्वारा दिया गया है, ये लोग मात्र 12,000 करोड़ की राशि दे करके धान के वाहवाही लूट रहे हैं। आज ये लोग बात कर रहे हैं नरवा गरवा घुरवा बारी की, क्या है नरवा गरवा घुरवा बारी में? दूसरा, ये लोग भविष्य की बात कर रहे हैं इतना देंगे, अरे ये लोग तो घोषणा किए थे, घोषणा 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, राशि कितने किस्त में दे रहे हैं, भटका के किसानों को दे रहे हैं, बारदाना नहीं है साथ। अरे कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि बोनस तो रमन सिंह जी ने नहीं दिया। ये लोग बोले थे हम लोग 2 साल का नहीं दिए, लोग तो बोले थे बोनस 2 साल का बोनस हम देंगे। ठीक है, हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी मौजूद, आ रहा हूं पीछे देखिए, जनता का मंच है, जनता को भी मंच देते हैं। यहाँ पर बीच में कुछ महिलाएं हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, आप बोलेंगे कुछ? बोलिए। हमारे स्कूल में, कॉलेज वाले स्कूल में अत्याचार हुए है, लड़की के साथ गलत हमला हुआ थे और वह कांग्रेस के वजह से हुआ थे। ठीक है जी, बोलिए। कांग्रेस आरक्षण जो है उसको पूरा खत्म कर दिया है। आत्मानंद स्कूल इस प्रदेश में 1000 से अबव होगा, लेकिन रोस्टर प्रणाली नहीं लेकर के प्रत्येक स्कूल से भर्ती किए गए हैं और ST SC का आरक्षण का खात्मा किया है। यह सतनामी समाज और आदिवासी समाज के लिए सबसे दर्दनाक विषय है और गिरौदपुरी के लिए आज तक भाजपा ने जितना काम किया है उतना कांग्रेस ने फुटी कौड़ी नहीं दिया है। ठीक है, इधर पीछे से भी सवाल है, जहाँ से कोई सवाल करना चाह रहा है। जी, क्योंकि आम जनता के सवाल लेने बहुत जरूरी है इस कार्यक्रम में, बताइए। मैं बेमेतरा विधानसभा से विधायक से पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने गौठान की बात कही है, तो बेमेतरा विधानसभा में किस गौठान में गौमूत्र की खरीदी और गोबर की खरीदी हो रही है बताइए, क्योंकि हम लोग लगभग सभी गौठानों का निरीक्षण किए हैं। और रोजगार की बात कर रहे थे, उद्योग की बात कर रहे थे, तो माननीय विधायक जी बताएं कृषि आधारित विधानसभा में कितने कृषि उद्योग लगाए हैं। इसके खिलाफ लोहा उद्योग, मुड़पार की बात हो, सरदा की बात हो, बोरिया की बात हो, लोहा उद्योग यहाँ लगा लेकिन उसका भी विरोध क्यों नहीं किए, माननीय विधायक जी बताएं। आशीष छाबड़े जी, ठीक है, यहाँ से जो उन्होंने सीधे सवाल उठाए अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, या पीछे से एक जी बोलिए। सर जी मैं आपके मंच के माध्यम से एक खोखमा वाले भाई मल ये बताना चाहता, सबसे पहले तो हमारे बेमेतरा विधायक जी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बाजू में हमारे सहकारिता मंत्री पहली रही से बघेल जी है, लेकिन हमारा एक ठन भी सोसाइटी खुल है ऐसे जरा भी जानकारी नहीं है। और हमारे बेमेतरा विधायक और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे बेमेतरा सहित हमारे बेमेतरा जिला में इतना सोसाइटी खुले है जेखर से बाहर पुनः खाए कमाए जावत रही तेन भाई मल्लाज पुनः खाए कमाए नहीं जावत है, पुनः खाए कमाए नहीं जाए लगा थे, अपन गांव में ही रोजगार मिला। ठीक है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है यहाँ पर, पीछे से कोई सवाल करना चाह रहा है, आपने किया सवाल जी, बोलिए। मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा विधानसभा से आता हूँ और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ का चार चिन्हारी
कई सैकड़ों करोड़ बैनर पोस्टर में लगाए हैं, बाकी एक मेरे को एक गौठान, एक भी घुरवा, एक भी बाड़ी, एक भी नाला, आज दो साल से मैं मांग कर रहा हूँ एक भी नाला बना दीजिए, एक भी घुड़वा दिखा दे, मैं उसका मतलब जिंदगी भर गुलामी कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से जी बोलिए। कुछ देर पहले योगेश तिवारी जी बोल रहे थे कि किसानों को धान के खरीदी में कट्टा देना पड़ता है, जैसे भी है, मैं एक जिया का किसान हूँ, स्वयं खुद मैं धान बेचता हूँ, 958 कट्टा खुद मैं धान बेचता हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक से कभी मेरे घर से कट्टा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। सोसाइटी में ये सरकार की योजना है, जैसी भी है, बहुत ही बढ़िया है, किसानों के लिए फायदेमंद है। भूपेश सरकार, भूपेश है तो भरोसा है। हमारे बेमेतरा विधायक जी भी है, उन्होंने बहुत विकास काम किए हैं, ग्रामीण अंचलों में भी बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विधायक जी को और भूपेश सरकार को। जी आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? चलिए, तो कुल मिलाकर कई सारे सवाल हैं जी उठाए। मैं बेमेतरा में पहला किसानों के ऊपर PhD किया हूँ, 4 वर्षों तक 3 रुपया का कट्टा 50 रुपये तक बेचा गया है, और कृषि मंत्री के क्षेत्र में 4 वर्षों तक 266 का खाद जो है 700-800 रुपये में बिक रहा था, 1300 का DAP 2000 में बिक रहा था, अभी चुनावी वर्ष है तो सोसाइटी में 60-40 का जो अनुपात है, पहले सोसाइटी में मिलना था वो कृषि केंद्र में गया है। और शिक्षा की मैं बात करूं, महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूं कि स्कूल शिक्षा में आप देखिए, मैदानी क्षेत्र में पूरा स्कूल खाली है प्रमोशन के चलते, प्राइमरी स्कूल में एक टीचर या दो टीचर है और पूरा टीचर विहीन है स्कूल, मैं पूछना चाहूंगा। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे यहां पर उठे हैं, स्थानीय विधायक को लेकर भी और पूर्व विधायकों को लेकर भी हम सवाल जवाब करेंगे। जी 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 जी, एक मिनट रुके, मैं पहले कुछ जवाब ले लूँ। जी, कई सारे सवाल निकले हैं क्षेत्र में विकास को लेकर, उधर बोले। जी बोलिए, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय दयालदास बघेल जी से, जब 15 साल मंत्री था तो मारो में तहसील नहीं खुला, नाथ घाट में तहसील नहीं खुला, आज न कॉलेज खुल पाया, और माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे भूपेश बघेल जी ने कॉलेज खोला, तहसील खोला, तो भाजपा वाले पितरों को पेट में दर्द हो रहा है। अगर उसको अगर जरूरत है तो अपना बैंक को छोड़ दे, आज वो पैसा भी ले रहे हैं अपने किराए में, सरकार में कांग्रेस के समय में भी उसके घर में बैंक खुला हुआ है, उसको छोड़े। ठीक है, ठीक है, दयालदास बघेल जी सवाल है तो फिर आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। ये जैसे बोल रहे हैं विकास की बात, आज विकास की बात मैं करना चाहता हूं कि नवागढ़ को नगर पंचायत हमने बनाए, मारो को नगर पंचायत हमने बनाए, नवागढ़ में SDM कार्यालय हमने खोला है, छोया नाला का विकास हमने करा है, और नवागढ़ का जितना विकास हुआ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में है। ये लोग क्या बताएंगे, आज कहाँ कहाँ घोषणा है, ये लोग घोषणा किए हैं, जाकर के नाथघाट को नगर पंचायत बनाएंगे, संबलपुर को नगर पंचायत बनाएंगे, डाढ़ी को नगर पंचायत बनाएंगे और नवागढ़ को नगर निगम बनाएंगे। हमारे सहयोग से हमारे विधानसभा के विधायक कृषि मंत्री बन गए, और उत्तर प्रदेश में जाके कहा जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग प्लांट है। मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री के क्षेत्र में साजा में भी एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है क्या? उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी उसमें से एक भी घोषणाएं कहीं अमली रूप ले पाई है? बाफना जी, साजा में आप भी रहे, 5 साल आपने भी दिए, लेकिन यहाँ पर पीने के पानी की जो समस्या है, मीठे के पानी की समस्या के है, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया? जो काम किया मीठे पानी की समस्या को लेकर, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी योजना शुद्ध पेयजल की, शिवनाथ नदी से लेकर हमारे क्षेत्र के 150 गांव में शुद्ध पानी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह और लाभचंद बाफना ने किया, वो आपके सामने में दिखाई दे रहा है। हमने पड़पोड़ी कॉलेज खोला, मैंने जितने स्टाफ डैम बनाए, जितने पुल पुलिया बनाए, जितने एनिकेट बनाए, जितने वहां पर जितनी संक्षेप में, थोड़ा संक्षेप में, बाकी लोगों को मौका देना है मुझे सब। जी बताइए कहां से कोई सवाल, एक मिनट पीछे महिला हमारे बीच में है। जी बोलिए, बोलिए। मैं ये बोलना चाहूंगी कि 15 साल पहले का बेमेतरा और 15 साल पहले का छत्तीसगढ़ और अब का छत्तीसगढ़ और अब के बेमेतरा में तुलनात्मक अध्ययन करके देखे तो बताए। और एक बात और ये बोलूंगी कि जो धान संबंधी, जो कृषि संबंधी फायदा है वो अगर किसी भाजपा वाले ने नहीं उठाया होगा, हरीश चंद बना होगा तो बताए। चलिए सारे सवाल और वार पलटवार चल रहा है, मैं पहले इधर से एक ले लेता हूँ, उसके बाद आपके बात आ रहा हूँ। जी बेमेतरा में सही बोलिए, अभी
दारू बेचने में ही कांग्रेस सरकार माहिर है। बेमेतरा जिला एकमात्र ऐसा जिला होगा कि कलेक्टर के गेट में शराब पकड़ाया गया है। बेमेतरा के कांग्रेसियों को बहुत बहुत बधाई और पूरा धन्यवाद। इधर से एक सवाल इधर से। हाँ, दारू बेचने के लिए तो हमें बीजेपी वाले ने सिखाया है, आपसे ही हमने दारू बेचने के लिए सीखा है। चलिए इधर 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 फटाफट। मैं नवागढ़ विधानसभा से बोल रहा हूँ। कांग्रेस सरकार है जो भय और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। नवागढ़ विधानसभा में आप देख रहे हैं, जो बेमेतरा जिला है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ पूरा जितना भी बाहर का जो फैक्ट्री है वो यहाँ ला के लगा रहा है। और भ्रष्टाचार ये है कि जितना भी स्वेच्छा अनुदान का राशि है वो टोटल जनता के नाम से देते हैं और पूरा वापस ले लेते हैं। ठीक है। इधर से कोई जवाब देना चाहेगा इस विषय पर? जी बोलिए, आप सवाल पूछेंगे। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी। मैं दिव्यांग संघ प्रेहबा, मैं छत्तीसगढ़ सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए कांग्रेस सरकार अभी वर्तमान में क्या करत है, और विपक्ष से भी मैं पूछना चाहता हूँ। आप मन जगह जगह जाके विरोध प्रदर्शन करता हो, लेकिन दिव्यांग मन के लिए का बरू आवाज नहीं उठाओ आप मन? ये मोर जानकारी। ये बहुत जिम्मेदार सवाल आया है और दोनों ही तरफ से मैं दोनों तरफ से लूंगा। कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब देना चाहे इस विषय पर कि दिव्यांगों के लिए बेहतरी के लिए क्या किया आप लोगों ने, कुछ कहना चाहेंगे? आप बोल चुके हैं पहले, आप बोलिए। हाँ, अभी सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना भाजपा वालों को, अपने चश्मा के नंबर बदलने की जरूरत है। इनको कहीं विकास ही नहीं दिख रहा है, जबकि पहले इनके हर सुनिए, बहुत गंभीर सवाल उन्होंने पूछा, उसका जवाब दीजिए पहले उसका। जी आशीष जी, गंभीर सवाल उन्होंने पूछा, दिव्यांगों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया? देखिए, दिव्यांग भाइयों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, और लगातार जब भी दिव्यांग संघ के अधिकार की बात हुई है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैंने अपने ही सरकार में विधानसभा में दिव्यांग संघ को लेकर प्रश्न भी लगाया था, और उसका उनको लाभ भी मिला है, और उनको इस योजना का लाभ भी मिला, और लगातार हर वर्ग के लिए हमारे कांग्रेस की सरकार योजना बना रही है, और 15 साल की जो गलतियां है उनको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, 15 साल तो राज की है नहीं, लेकिन आपको लगता है ना कि मामला बहुत जिम्मेदार है, इस पर कुछ करना चाहिए? जी, आपसे भी सवाल उन्होंने पूछा है, बताइए सर। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि मीठे जल की जो पानी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में योजना स्वीकृत हुई थी, आज यो योजना पूरे वार्डों में चल नहीं पा रही है। नगर पालिका में कांग्रेस सरकार है, बेमेतरा में कांग्रेस का विधायक है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बेमेतरा में पूरे 21 वार्डों में मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसका जवाब कांग्रेसियों को देना चाहिए। जो मीठे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं उनको पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये समस्या तो बहुत पुरानी है, और इसके पहले यहाँ पर बीजेपी का भी सत्ता रहा है। अवधेश जी बताइए, क्या किया पानी को लेकर, बाकी चीजों को लेकर? लगातार आपको जवाब मिल रहे हैं। शिवनाथ नदी से 3 बड़ा प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बेरला साजा और थान खमरिया तक पहुंचाए बढ़िया मीठा पानी, दूसरा प्रोजेक्ट बना बेमेतरा शहर के लिए, तीसरा प्रोजेक्ट है नवागढ़ ब्लॉक के लिए जो नवागढ़ विधानसभा है, 3 बड़ा प्रोजेक्ट। कांग्रेसी पूछते हैं क्या किए, जिस कलेक्ट्रेट में बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जो सड़क में चल रहे हैं वो भाजपा शासन काल का, पीछे आप चले जाएं बड़ा बिल्डिंग मिलेगा कि एक जिला के हिसाब से कॉलेज कैसा होना चाहिए वो स्वरूप आप कॉलेज का आप बेमेतरा में देखेंगे, बेरला में आप पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा आपको। मैं बताऊं कौन सा ऐसा काम, ये आप नवागढ़ जाते हैं, नवागढ़ के मेरे बहुत सारे कांग्रेसी साथी बैठे हैं कि आप यहां से जब जाते हैं तो एग्रीकल्चर चाहे वो कॉलेज हो केवीके हो वो भाजपा शासन काल में, कौन से ऐसा वर्ग है जिस वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस पर जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ से पहले मैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, बोलिए। आप ही कह रहे थे कि कांग्रेसी कह रहे थे कि यहाँ पर किसी विकास दिखता नहीं है, इनको ऐसा करके एक कांग्रेसी से आया। मैं बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ राज्य किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया, बेमेतरा जिला किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बनाया, और आप कहते हैं तहसील और इसकी बात करते हैं, पहले जिला बना के दिए हैं उसके बाद तो ही विकास होता, और विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ। इन सब के बीच में योगेश जी,
एक महत्वपूर्ण सवाल दिव्यांग भाई ने पूछा था कि 15 साल आप भी सत्ते में रहे, क्या किया आप लोगों ने दिव्यांगों के लिए? वो बहुत वाजिब सवाल था, उसका जवाब कहीं दिया नहीं किसी ने। जी मैं तो किसान नेता हूं, अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, सभी लोगों के लिए मैंने संघर्ष कर रहा हूं। सही बात है, दिव्यांगों को छोटी छोटी चीजों के लिए भटकना पड़ रहा है, कान की मशीन नहीं मिल रही है, दिव्यांगों को ट्राइसिकल नहीं मिल रही है। संपूर्ण अगर सच्चाई ये है, ये बात है कि आज 5 साल में अगर किसी का विकास हुआ है तो यहाँ के नेताओं का विकास हुआ है। ये रोड बनी है, ये 17 किलोमीटर की रोड 33 करोड़ की लागत से बनी है और 17 दिन में 33 जगह उसको पेचिंग किया गया है। और यही आरोप तो कांग्रेस पार्टी आप लोगों के ऊपर लगा रही है कि 15 साल में आपने भी यही किया और आप आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ से कोई सवाल चाहिए, कुछ युवा हमारे बीच में बोलिए। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला ये बताओ। प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को मिला है? प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को मिला है? यहाँ से सवाल जी बताइए, बताइए बोलिए। मैं कांग्रेसी लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा ये लोग रोक के रखा था, 8 लाख आवास का पैसा। जब प्रधानमंत्री ने ऊपर से जब हमारे छत्तीसगढ़ वाले को बताया, जब पता चला कि आप लोग का पैसा 8 लाख आवास का पैसा रोक के रखा है भूपेश सरकार जो है। और भूपेश सरकार को यह भी बताना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के समाज में, संस्कृति में कई तरीका के हमारे साथ धोखाधड़ी और समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ। ठीक है चलिए चलिए, कुल मिलाकर मैं इस कार्यक्रम में अब आखिरी चरण में पहुंच रहा हूं, मैं फटाफट सब लोगों से यहाँ पे लूंगा। कुछ कहना चाह रहे जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे महाराज जी, बताइए। मैं दिव्यांग संघ का प्रमुख सलाहकार हूं, मैं एक ही बात पूछता हूं कि ये जो योजनाएं हैं, योजना जो चल रहा है आज सरकार की, 32 दांत के बीच में कांग्रेस रह के जब कोरोना काल, आंधी तूफान ओला वृष्टि यो त्यों सबको झेलते हुए जो अच्छा काम करता है उसी के खिलाफ क्यों जाता है जनता? आज शहर में पानी का एक भी टैंकर नहीं जा रहा है कहीं, लगातार पानी का बंदोबस्त कांग्रेस ने किया, लगातार सड़कों को बनवाया, जगह जगह बिजली का लगवाया, जगह जगह लाइट लगवाया एवं सभी लोगों को मदद किया, ऐसी सरकार। ठीक है, इधर से फटाफट सवाल लेंगे, चलिए चलिए खुद, ताकि ज्यादातर लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, बोलिए। माननीय कांग्रेसियों से निवेदन है कि जो भाई मेरे पूछे थे कि गौमूत्र गो, आप अपनी बात कीजिए कांग्रेसियों को नहीं, अपनी बात कीजिए। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बेमेतरा जिले में जितनी गौठान बनी होगी वहाँ गौमूत्र गोबर कहाँ खरीदी होती है और नहीं होती, कृपया करके चालू करवा दे कम। ठीक है जवाब दे चुका हूँ उसमें, ठीक है ना? और हाँ, आप बोलिए, पीछे यहाँ से कुछ बोलना चाह रहे सर, बोलेंगे जी, बोलिए। उनसे पूछो आज 15 साल भाजपा की सरकार थी और 4.5 साल कांग्रेस की सरकार है उसमें, और अभी मैं बेमेतरा शहर को देख लो आप, कितने विकास हुए हैं और उनके कार्यकाल में कितने विकास है, विधायक जी खुद बैठे बताएंगे। ठीक है जी, बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार के बारे में बोल रहे हैं हमारे कांग्रेसी मित्र, 4.5 साल की सरकार है कांग्रेस की, केवल भ्रष्टाचार। भूपेश ऐसा धोखा है, भ्रष्टाचार है, लूट है, हो चुकी है बात, ये बात हो, कुछ नई बात निकालिए। बेमेतरा के बीच में आपके लोग आए हैं, मुद्दे उठाइए, यहाँ की समस्याओं की बात करिए। अभी कांग्रेस के भाइयों ने कहा है कि हमारी सरकार आई है तब से यहाँ पर विकास हो रही है, रंग रोगन के अलावा बेमेतरा में कुछ नहीं हो रहा है, डांबर बिछाई हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है तब से गांव-गांव में शराब बिकने लगी है, घर घर में शराब बिकने लगी है। एक सेकंड। और अभी पीएससी में हुए घोटाले, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से शिक्षा का स्तर गिरा चुकी है। ठीक है एक साथ कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उस पर जवाब ले लेता हूँ पहले मैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जी 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 बोलिए, छोड़ दीजिए ना उसको, बोलिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार साहू है, मेरे बच्चे अभी 1 साल से जो प्रेरणा विद्यालय है उसे भगाया गया है, उसकी जांच नहीं हो रही है। मैं बार बार प्रशासन से और जो अधिकारी है उनसे निवेदन कर रहा हूँ, निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा है। क्या किस विषय को लेकर? मेरे बच्चों को भगाया गया, उसका जाँच नहीं हो पा रहा है। कहाँ से भगाया गया? प्रेरणा विद्यालय कठिया से। ठीक है, यहाँ से जनप्रतिनिधि है आशीष जी, देखिएगा इनकी क्या समस्या है और आप भी जल्दी कुछ उनकी समस्या को समझिएगा। जी बोलिए।
मेरे के बताइए, तत्कालीन सांसद सुश्री सरोज पांडे ने रेल की घोषणा की और रेट का रूल कैसे बदल गया, कवर्धन कैसे चला गया, भाजपा ही पहले ये बताए। आज उनके सांसद है, वो रेल लाइन कहाँ है, विकास कहाँ है, उद्योग के विरोध करने वाले यहाँ नौकरी की बात करते हैं और कहाँ है वो उद्योग के विरोध करने वाले। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मेरा कि रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में खुद रमन सिंह कहा था कि कमीशन लेना बंद कर दो नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का 14 सीट में है भाजपा ने और विकास ठीक है ठीक है। यहाँ से एक बार सर विकास की बात करते हैं, हमारे जे सरकार भूपेश बघेल की सरकार, चाहे हर वर्ग युवा हो, शिक्षा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए हमारी सरकार काम कर। ठीक है बोलिए। अभी माननीय पूर्व मंत्री जी बघेल जी बोल रहे थे कि किसान न्याय योजना का किस्त नहीं आ रहा है या उसमें दिक्कत हो रहा है, ये सूची है और इस सूची में उन्हीं का नाम है जो किसान न्याय योजना का किस्त झोंकते हैं। ये देखिए सर, ये आप ही का नाम है। ठीक है ठीक, संक्षेप में, संक्षेप प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना 19 से बंद है तो दिखाने के लिए बोलता क्या? भूपेश सरकार किसानों को 2500 रुपए छत से ऊपर दे रहा है, बेमेतरा देखो नक्शा बदल गया। ठीक है दयाल दास जी, आपके ऊपर उन्होंने सवाल, जब बताइए बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार था तो इन लोग धान नहीं बेचे हैं क्या? इन लोगों को पैसा नहीं मिला है? अरे क्या हमको फ्रीम दिया है क्या? अरे धान बेचे पैसा दिया है, उसके बाद कई किस्तों में पैसा दे रहा है और धान में इतना वाहवाही लूट रहे हैं, बोरा बोरा का पैसा दे दिए, बोरा का पैसा आज तक नहीं मिला। ठीक है ठीक है, एक 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 और मतलब संक्षेप में बोलिएगा प्लीज। मैं समझता हूँ सब किसानों के हित में सबसे जरूरी चीज होती है बिजली। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 4.5 साल में कितने सब स्टेशन खुले, कितने ट्रांसफार्मर लगाए, किस किसान को पंप कनेक्शन मिला? जब पंप कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर ही नहीं लग रहा है, सब स्टेशन ही नहीं बने हैं, तो किसानों की भलाई की चर्चा। ठीक है ठीक है, इधर से, इधर से संक्षेप में रखिएगा समय, आखिरी समय। आपने कांग्रेसी भाइयों ने आपने पूछा कि 14 सीट में आप लोग सिमट गए, और मैं आप लोग से पूछता हूँ कि आने वाला 23 में आपको भी जवाब देना है, तो आप जिस मुद्दा को लेके 14 सीट में हमको समेटे हैं उस मुद्दा में कौन सा काम को किया आपने? दारू को आप बंद करेंगे करके आपने सरकार में आए, आज दारू पूरा घरों घर बिक रहा है। आपने आपने किसानों का कर्जा माफ करेंगे बोले है, आज सिर्फ सोसाइटियों का कर्जा माफ हुआ है, किसी कर्जा माफ नहीं हुआ है, प्राइवेटों का माफ नहीं हुआ है। ठीक है, जो संक्षेप में मैं समझ गया, आपने इनका ये कहना है कि जो वादे करके आप सत्ता में आए थे आपने वो पूरा नहीं किया। बोलिए बोलिए बोले जो बोलिए। बेमेतरा को जिला बनाया हो लेकिन बेमेतरा में विकास कहाँ हुआ? 10 साल से ऐसी पड़ा था लेकिन माननीय विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में बहुत सारा विकास हुआ है, और किस मुंह से बोलते हो विकास नहीं हो करके? और जिला पंचायत पूरे दुर्भाग्यजनक स्थिति है छत्तीसगढ़ में, केवल बेमेतरा जिला पंचायत का पैसा यहाँ के तीनों नेताओं के नियत खराबी के कारण पेंडिंग है, और तीनों नेता प्रस्ताव मांगते हैं और हमारे पैसा का अधिकार मांगते हैं, बराबर 30-30 लाख ले लिए हैं। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है, कृषि का मतलब केवल धान या चना नहीं है, यहाँ बहुत सारे हमारे यादव भाई हैं जो दुग्ध उत्पादन करते हैं, और यहाँ के जो कृषि मंत्री घोषणा किए थे 4 साल पहले कि हम यहाँ चिलिंग मशीन लगाएंगे, केवल घोषणा किए हैं, आज तक यहाँ पर कोई भी चिलिंग मशीन नहीं लगा। कमीशन की बात करते हैं, 22,000 महिला स्व सहायता समूह से उनका अधिकार और काम छीन कर उसको सरकारी योजना में देकर सारा कमीशन कहाँ जा रहा है? ठीक है ठीक है ठीक। सबसे पहले मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ नवागढ़ विधानसभा के हमारे विधायक जी कहाँ है? गुरदयाल सिंह बंजारे, जो हम सवाल पूछ सके, जो हम नवागढ़ विधानसभा का सवाल पूछ सके। पूछिए पूछिए, आप सवाल पूछिए ना। विकास विकास विकास, आज ग्राम पंचायत चिचोली में 632 वोट से जीतने वाले विधायक जी एक ईटा नहीं रखे, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ठीक है, नवागढ़ विधानसभा को लेकर यहाँ पर सवाल आया, साझा को लेकर सवाल जी पीछे वहां से कुछ जल्दी। मैं सिद्धांत दीवान, नवागढ़ में पिछले 15 साल से इतना कोरेक्स बिका जो रिकॉर्ड तोड़ बिका, इतने बच्चे वहाँ कोरेक्स के नशे में, और क्या बात करेंगे दारू के, खुद दारू पीते हम लोग क्या बात करेंगे, कोरेक्स इतना बिका हुआ है नवागढ़ विधानसभा में, पूछो मत, छत्तीसगढ़ में जितना कोरेक्स नहीं बिकता उतना। आत्मानंद स्कूल खुलने से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, न कि शिक्षा का स्तर घटा है।
आत्मानंद स्कूल खुला है, इसकी वजह से यहाँ फायदा मिला है। अरे आपसे पूछ चुका हूँ मैं। जी जी जी, आज सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि कांग्रेसी भाई लोग इतना ढोंग करते हैं, इतना ढिंढोरा पीटते हैं विकास का। ये सारा विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। आज जो भी है, आज ये जो धान खरीदी है, 15 क्विंटल धान हमारे भाजपा ने खरीदा, पीडीएस सिस्टम जो आज गांव-गांव में 1-1 रुपए किलो में चावल मिल रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला। इन लोगों ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट, इसके सिवा और कुछ नहीं किया है। अभी सामने ये 2000 करोड़ रुपए का घोटाला शराब का, 5000 करोड़ घोटाला चावल का, गोबर भी खा गए ये लोग ऐसी बात करते हैं, 600 करोड़ का गोबर खा गए, कोयला 1200 करोड़ का खा गए, 12000 करोड़ का खा गए। विकास के नाम पर केवल यहाँ पर डब्बा है और ये सब के कुछ काम नहीं करते। ठीक है, विकास को लेकर भी यहाँ पर ज्यादा काम नहीं हुआ है, सबको लेकर बहुत संक्षेप में चलिए प्रधानमंत्री आवास दूसरा बात रखिएगा। देखो, विकास का बंटाधार है भूपेश, इसका नाम है। मैं, आप बेमेतरा जिला में आए हो तो मैं प्रदेश की बात नहीं करता, जिले की बात करता हूँ। बेमेतरा जिले के मुख्यालय में आप आए हो, नगर पालिका अध्यक्ष बैठी सामने, उनसे भी कुछ पूछ लेना, बोलती कम है। बताया कि विकास कितना की है? सवाल करिए। मैं पार्षद हूँ, परसों मैं नगर पालिका में ताला जड़ दिया था, वो विकास नहीं कर रही। एक पार्षद को नगर पालिका में बैठना पड़ता है विकास करने के लिए, कि अपने जनता के काम मांगने के लिए। नगर पालिका के अध्यक्ष बताया कितना काम की है। हमने पिछले साल 15 वार्डों में पानी दिया था, मीठा पानी, अभी 2 वार्ड में भी पानी नहीं चल रहा है। बताया कितना मीठा पानी चल रहा है करके। ठीक है, बोलिए। हेलो, हाँ, ये अभी तक को विकास बोले कांग्रेस वाले, पूछता हूँ कि विकास कहाँ हुआ है, एक ईंटा भी नहीं गिरा है अभी तक। जो भाजपा कार्यकाल में हमारे मंत्री महोदय जी दयाल बघेल जी किया है, वही किया है। इनका सवाल वो था नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर, वो हमारे बीच मौजूद है, उनका जवाब लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप से बचे हम लोग, कुछ ठोस यहाँ से निकले तब तो बेहतर है जी, बताइए। मुझे बोला जाता है कि मैं कम बोलती हूँ, मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि हम कार्य, मुझे एक बात बताइए कि आपका नाम बड़ा होता है कि काम बड़ा होता है? आदमी का काम बड़ा होता है, और हम काम करने पे विश्वास रखते हैं, हम नाम कमाने पे विश्वास नहीं रखते। अब किसी के बोलने, समुंदर हमेशा खामोश रहता है, लेकिन जब वो उसमें भूचाल आता है तो सभी चीजों को बहा के ले जाता है, तो नारी को कभी कम नहीं समझ। ठीक है, संक्षेप में एकदम। हमारे जो साथी है वो शिक्षा पर बात कर रहे थे। आत्मानंद पूरा छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। इनके मंत्री, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, इनके केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी आत्मानंद में प्रवेश की के लिए अनुशंसा कर रहे हैं। इन्हें बताना चाहिए उनको को कि ऐसे स्कूल में अनुशंसा की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, समय की बात है योगेश जी, बहुत संक्षेप में, समय की बात बहुत संक्षेप में। मैं किसानों की बात करता हूँ। जब मुख्यमंत्री जी प्रथम नगर आगमन पे आए थे, बेमेतरा शक्कर कारखाना की उन्होंने बात की थी, आज तक शक्कर कारखाना उन्होंने। चलिए, तो कुल मिलाकर नवागढ़ से आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश जन कारवा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुद्दों पर और समझ को लेकर लगातार आगे भी बात होती रहेगी। जन कारवा का हमारा सिलसिला जारी है, कल मध्य प्रदेश से देखिए जन कारवा। नमस्कार। Was brought to you by Swish Hospital, Kota Gudiyari Road, Raipur. Liver, Hepatitis, Pilia.